नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसनी में प्रसपा महासचिव आदित्य यादव ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार के अंतिम बजट को फ्लॉप तक करार दे दिया। देखिए हमारे संवाददाता अमित चक्की रिपोर्ट। कस्बा किसनी में शनिवार को प्रसपा लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव क्षेत्र के रामा देवी प्रकाश शिक्षण संस्थान में वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए बजट को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रताप शिवपाल सिंह यादव ने मंत्री पद रहते हुए उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया। सपा के सम्मान न होने के कारण उन्होंने लोगों को नया दल बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान रात रात भर जागकर आवारा गायों को खेतों में रखवाली करते हैं। किसानों व खाद को ब्लैक में लेनी पड़ रही है। तीन राज्यों में करारी हार की बात भाजपा भयभीत है, लेकिन बजट में नए जुमले छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने बजट को किसान विरोधी करार देते हुए कार्यक्रम संयोजक कॉलेज प्रबंधक सुमित यादव ने मुख्य अतिथि आदित्य यादव का चांदी का मुकुट माला पहनाकर गदा भेंट कर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। एक सवाल आपसे करेंगे पॉलिटिकल मैनप्री के ऊपर। आपने आपकी पार्टी कहती है कि नेताजी लड़ेंगे चुनाव तो आपकी पार्टी समर्थन करेगी, और इस समय तेज प्रताप यादव जी चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। अगर उनको टिकट मिला तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर उनको टिकट मिलती, हमारी जहाँ तक बात है, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह जी ने ये साफ कर दिया था कि अगर नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे मैनपुरी से, तो हम लोग कहीं से भी अपना मैनपुरी में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं नेताजी की विचारधारा पर भी चलने वाली पार्टी है, उनको अपना नेता मानती है और उनको सर्वश्रेष्ठ समझती है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग नहीं लड़ेंगे। हाँ, अगर क्योंकि प्रत्याशी रहता है तो मैं समझता हूँ ये हमारी कमेटी का, हमारे नेता जी का निर्णय होगा, नेता माननीय शिवपाल सिंह जी का निर्णय होगा कि मैनपुरी से फिर हमें चुनाव लड़ना है या नहीं, ये वही निर्णय लेंगे। किसान के लिए 6000 रुपये का प्रावधान रखा गया है, इसको क्या मानती हैं? देखिए, मैंने जैसा कहा कि बहलाने के लिए किसानों को ये रखा गया है, अगर आपको किसानों की इतनी ही मदद करनी है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज किसानों की जो उपजाऊ है, जितने भी उन लोगों ने फसल उगाई थी, कहीं ना कहीं वो किस तरीके से खराब हो रही है, उसका उन्हें मूल समर्थन धन नहीं मिल रहा है, अगर उसमें वो मदद करते, अगर जिस तरीके से खाद का ब्लैक हो रहा है, एक समय पे जहाँ पे 1200-1200 रुपए की खाद मिलती है, आज के समय में 1800-1800 रुपए की ब्लैक में खाद बिक रही है, आप जाके सेंटरों पर पता करें, तो जिस तरीके से ये खाद का काला धन का व्यापार चल रहा है, तो इसको रोका कर जाए तो ये किसानों की मदद होगी, ना कि ये कि आप कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकता हूँ, किसानों को और कमजोर करने का काम कर रहे हैं।